बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है ढाबा स्टाइल अंडा कढ़ी बनाने की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहले हमें एक पैन लेना है। पैन के अंदर 1 टीस्पून ऑयल को हीट करना है। जब ऑयल अच्छे से हीट हो जाए, इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अंडे को इस तरीके से फ्राई करेंगे। अंडे के मैंने ऊपर कट लगाया है, अब हम इन्हें बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, उसी कढ़ाई के अंदर एक बड़ा चम्मच ऑयल को हीट करना है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हमें क्या करना है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 कटा हुआ प्याज ऐड करना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। प्याज को हमें हल्का सुनहरा करेंगे। प्याज जब हल्का सुनहरा हो जाए तब हम इसके अंदर क्या करेंगे, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छे से भूनने तक पकाएंगे। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से भूनने लगा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ऑयल को छुटा लेना है। जब ऑयल अच्छे से छूटने लगे तब इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसके अंदर 2 टीस्पून दही ऐड करना है। दही को भी मिक्स करेंगे और गैस को लो फ्लेम पर रखना है ताकि मसाले जले नहीं और चिपके भी नहीं। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख, इसके अंदर भी ऑयल छूटने लगा है। इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे। आप ये अंडा कढ़ी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी। अब इसके अंदर देखिए अच्छे से ऑयल छूट चुका है। इसके अंदर मैंने 1 कप पानी ऐड किया है ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, देखिए अच्छे से ऑयल छूट चुका है, मसाला भून चुका है। मैंने 1 धनिया ऐड किया है और अब मैं इसके अंदर अंडे ऐड कर दूंगी। इस तरीके से इनको हमें 2 मिनट के लिए ऐसे ही भूनते रहना है। तो हमारा अंडा कढ़ी बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट।